गाइस हमारे पास आज है यमहा की ऑल न्यू एफजेड एस वर्जन 3 का ऑल ब्लैक कलर, और ये जो है लेटेस्ट वेरिएंट है, कोई भी ओल्ड वेरिएंट नहीं है। उसका जो प्रूफ है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है, और ये जो है वर्जन 3 रहने वाला है जिसमें कि आपको ऑल ब्लैक कलर मिल जाएगा। जैसे ही आपकी हीरो की स्प्लेंडर आ जाती है, सेम वैसी ही यमहा ने जो है अपनी FZS वर्जन 3 को लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको एलॉय, वाइजर, टैंक और सीट कवर, ये सब आपको ऑल ब्लैक में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में जो है हम इस गाड़ी का पूरा फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, और आपको गाड़ी में क्या क्या खूबियाँ मिल जाती हैं, परफॉर्मेंस क्या है, सब आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो ये जो है ओल्ड वाला फेस है और वो न्यू वाला फेस है। तो यार वो तो मुझे नहीं पसंद, मुझे तो यही वाला पसंद है। तो इसमें आपको मिल जाता है लाइट LED का, जो कि रहने वाला है स्प्लिट में, ये है डिपर और ये है अपर। इधर आपको जो है यमहा का लोगो मिल जाएगा, जो कि रबड़ में रहने वाला, ये कोई 3D नहीं है। जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हैलोजन के, बट इसे आप LED का करा सकते हैं, एग्जाम्पल कुछ वैसा रहेगा। बाकी ये हो गया वाइजर, नंबर प्लेट इधर प्लेस हो जाएगी, और जो बाइक का मीटर कंसोल है वो आपको नेगेटिव डिस्प्ले के साथ मिलेगा, जो कि फुली डिजिटल है। न्यूट्रल, इंजन चेक, माल फंक्शन और सेटिंग, इंडिकेटर, ABS पास, और इधर आपको मीटर मिल जाएगा जो कि काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता है। RPM यहाँ पर आपको शो करेगा, फ्यूल यहाँ करेगा, बाकी जो स्पीड वगैरह वो यहाँ शो होती है। और इसके जो हैंडल बार है इधर आपको मिल जाएगा, इंजन किल स्विच ऑन ऑफ, मास्टर सिलेंडर, ब्रेक लीवर ऐसा रहेगा। एंड बार आपको काफ़ी छोटा मिलने वाला है। जो बाइक की है वो टैंक पे प्लेस होती है, इसमें आपको दो नॉर्मल सी की मिल जाती है। इधर आपको मिल जाएगा इंडिकेटर, हॉर्न, पास, और ये स्विचेस एक में कंबाइन है, तो वो आप देख सकते हैं। जो फ्यूल कैप है वो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, इस पर कोई पेंट नहीं है, और ये सिल्वर है। बीच का पार्ट ऑल ब्लैक मैट में है, और ये ऑल ब्लैक ग्लॉस में है। ब्लू कोर की ब्रांडिंग, E20 की ब्रांडिंग, यमहा का लोगो रबड़ फिनिश में अगेन, और ये जो है भाई कुछ स्पार्कल टाइप का रहने वाला है। हालांकि लाइट का इशू है तो ये आपको क्लियर दिखे ना, बट भाई ये धूल नहीं है, ये स्पार्कल है, वो आप देख सकते हैं। और इधर आपको मिल जाएगा FZ वर्जन 3 का ब्रांडिंग, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। जो साइड के पैनल्स हैं ये आपको मैट ग्रे में मिल जाएंगे, और ये वाला पार्ट मैट ब्लैक में मिलेगा। कुछ आपको फिनिशिंग मिल जाएगी कार्बन की, उधर से दिखा दूंगा। बाकी यहाँ जो गाड़ी का सीट काउल है ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलने वाला है। बाइक के जो ग्रैब रेल हैं वो आपको मैट ग्रे में मिलेंगे, और ये सिंगल पीस में रहने वाले हैं, स्प्लिट में नहीं आते। और जो गाड़ी की सीट है वो बहुत ही वाइडर रहने वाली है, बहुत कंफर्टेबल है भाई, आराम से आप इसमें एक बार में बैठ के 500 चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने खुद चला रखी है, क्योंकि भाई इस गाड़ी को मैं पहले से ओन करता हूँ, और बाइक का जो इंजन है ना वो आपको 150 CC का देखने को मिल जाता है। इंजन जो है बहुत अच्छी पावर फिगर जनरेट करता है। माइलेज जो है भाई आपको 38-40 ये इंजन दे देता है। 5-speed गियर बॉक्स के साथ आता है, और जो स्पीड है वो आपको ईजिली 128 दे देती है, झुकने के बाद स्ट्रेट में नहीं देती है। इधर जो है भाई आपको मैट ग्रे का फिनिश मिल जाएगा, और भाई जो है कुछ ये आपको डिज़ाइन मिल जाएगा जो उधर शो नहीं कर पाया था मैं। इधर जो है आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता, यमहा का ब्रांडिंग मिल जाएगा। इंजन ऑयल यहाँ से जाएगा, ऑयल फिल्टर मिलने वाला है, और भाई जो काउल है वो आपको मैट में मिल जाएगा। और जो बाइक का एग्जॉस्ट है इसमें अब आपको दो O2 सेंसर मिल जाएंगे, एक कन्वर्टर के पहले और एक कन्वर्टर के बाद आता है। बाकी यार ब्रेक के जो फुटपेजेस हैं वो आप देख सकते हैं, और ये फोल्डेबल रहने वाले हैं, और अगेन ये भी फोल्डेबल रहेगा, राइडर और पिलियन दोनों फोल्डेबल हैं। और इसका जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी लाइट साउंड प्रोवाइड करा देता है। कंपनी ने ये सिलेंडर किट चेंज की है, पहले ये इधर आती थी और ये बॉक्सी शेप में थी, बट अब ये गोल शेप में है, वो आप देख सकते हैं। पीछे आते हैं तो इधर आपको मिल जाएगा हगर गार्ड, जो कि आपको छींटों से बचाएगा, इसे निकाल दो ज़्यादा बेटर होगा। और ये वेरिएंट भाई ABS के साथ नहीं आता है, इसमें पीछे ABS नहीं है, RLB सेंसर नहीं है, डुअल डिस्क आती है, कैलिपर की क्वालिटी बढ़ा दी गई है, साउंड काफ़ी बेहतरीन है। और इधर आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्टर, अगेन इधर आपको मिलने वाला है इंडिकेटर, हैलोजन की टेल लाइट, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट यहाँ पर प्लेस होगी, काफ़ी छोटी टेल टाइडी रहने वाली है।
और जो पीछे का टायर है वो आपको मिल जाएगा 140 सेक्शन का, जो कि रेडियल है, MRF ब्रांड का है, जो कि थोड़ी सी कंपनी ने कटिंग कर दी है। फ्रंट पे जो आपको टायर मिलेगा वो रहेगा 100 सेक्शन का, जो कि ट्यूबलेस रहने वाला है। बाकी यार आगे आपको मिल जाएगी फ्रंट में डिस्क 282 mm की, और ये जो है सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। और इसका जो सस्पेंशन रहने वाला है उसकी जो क्वालिटी है, वाइटनेस वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और ये वाला पार्ट इसमें आपको ब्लैक में मिलेगा, पहले ये जो है कुछ वेरियंट में क्रोम में आता था। बाकी जो मिडगार्ड है, फेंडर है, वो आपको मैट में मिलेगा, और इधर आपको यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और जो अलॉय हैं वो आप देख सकते हैं फुल ब्लैक में है, कोई भी इसमें स्टिकर्स नहीं आते हैं। तो ओवरऑल जो है बाइक का आप जो लुक है वो एक फ्रेम में देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्पोर्टी लगती है। तो जिन्हें भी भाई ये बाइक परचेज़ करनी है तो नीचे आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस ये सब प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप कॉल वगैरह करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और भाई जो इंटरेस्टेड हैं R3 को लेकर वो भी कॉल कर सकते हैं। तो भाई जो वीडियो है लाइक कर देना, मिलते हैं बाद में, चलो बाय।